अभी मैं आता हूँ अब मेरा दूसरे सवाल पे। हमारे जो एक्टर एक्ट्रेटिक्स भाई है जो पास आउट करके बैठे हुए हैं, उन लोगों का मन में बहुत दुविधा है, बहुत चिंता है, उन लोगों का क्या होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो अप्रेंटिसेस हैं वो हम लोगों के एजेंडे की प्रायोरिटी नंबर एक पर हैं। और ऑल इंडिया लर्निंग फेडरेशन को इस बात का गर्व है कि हमने करीब 72,000 अप्रेंटिसेस को जो है वो रेलवे में बहाल कराने का काम किया, उनको जो है वो नौकरी दिलाने का काम किया। और ये कोई जो है एहसान की बात नहीं है, उन लोगों ने रेलवे में काम किया है, रेलवे के काम को जानते हैं, जहाँ जहाँ वो बहाल हुए हैं, जहाँ जहाँ वो नौकरी कर रहे हैं, हर जगह उनकी प्रशंसा हो रही है और वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, चाहे वो शेडों में कर रहे हों, कारखानों में कर रहे हों, ओपन लाइन में कर रहे हों, जहाँ भी वो लोग काम कर रहे हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट ये है कि अभी ये जो हमारे जो नए नए शगुफे ले करके आए जाते हैं, नई सरकार जो खासतौर पर आई है वो इनको लेने के पक्ष में नहीं हो, भर्ती करने के पक्ष में, अप्रेंटिस भर्ती करने के पक्ष में तो है, लेकिन उनको जो है वो रेलवे में रेगुलाइज करने के पक्ष में नहीं है। तो ये एक समस्या जो है हमारे सामने बहुत ज़बरदस्त है। इस सवाल को लेकर के पिछले तीन चार साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी बहुत लड़ाई लड़ी तो उन्होंने कहा कि हम 20% पोस्टें जो हैं वो इनके लिए रिजर्व कर देते हैं, उसके अगेंस्ट में ये रिक्रूटमेंट में आवे, लेकिन इसके लिए इनको इम्तहान देना पड़ेगा। अब आप सोचिए, ये लोग अपने ट्रेनिंग पीरियड पहले तो रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं तो इम्तहान दे के आते हैं, फिर जब रिक्रूटमेंट के बाद अप्रेंटिस हो जाते हैं तो ये 8 इम्तहान देते हैं, फिर उसके बाद में एक इम्तहान RDIT से देते हैं जिसमें इनको ITI के बराबर जो है वो सर्टिफिकेट मिलता है और तब ये 10 इम्तहान पास करने के बाद आते हैं। अभी 10 इम्तहान पास करने के बाद 11वां इम्तहान आप क्यों लेंगे, झगड़ा ये है। तो हमारी मांग है भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से, मैं कई बार रेल मंत्री से इस विषय पर बात कर चुका हूँ और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है इस मामले में रेल मंत्री से ही है कि वो अप्रेंटिसेज के मसले को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई हमने 20% कर दिया, वो कम्प्लीट करके आवे, वो क्यों कम्प्लीट करें जब उन्होंने अप्रेंटिस का कंपटीशन करके जो अप्रेंटिस बने, फिर वो अप्रेंटिस में उन्होंने जो है वो 8 इम्तहान दे करके सारी अपनी जो ट्रेड है उसके बारे में एक्सपर्ट हो गए, फिर उन्होंने ITI का सर्टिफिकेट भी ले लिया, तो इसके बारे में किस बात करता हूँ। अभी लेटेस्ट जब मैं मंत्री से मिला था तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये गलत है, भारत सरकार ने जो नया संविधान बनाया है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अधीन, उसमें उन्होंने कहा है कि हर एम्प्लॉयर को इस बात का जो है वो उन्होंने हक दे दिया है कि वो इनकी बहाली के लिए अपना कानून बना सकता है। तो रेलवे मंत्रालय भी एक एम्प्लॉयर है, उसको इनके लिए कानून बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है तो आप जिस ट्रेड में भर्ती कर रहे हैं उनमें इनका स्किल टेस्ट कर लीजिए, ट्रेड टेस्ट कर लीजिए, उससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। अभी परसों में मिला था चेयरमैन रेलवे बोर्ड से, मैंने उनसे कहा जब आप आए थे तब भी मैंने आपसे कहा, एक बार और कहा, मंत्री जी से भी कहा, वो कागज भी आपके पास आ गया है, तो थोड़ा उनका रुख जो है वो काफ़ी अप्रेंटिसेज के प्रति जो है वो उदार है, इसलिए कि वो मैकेनिकल के अधिकारी भी हैं और उन्होंने कारखानों से शुरुआत किया है, AWM रहे हैं, CDM रहे हैं, तो उनको ये अप्रेंटिसेज के दर्द के बारे में ज़्यादा ज्ञान भी है। तो उन्होंने कहा कि हम मंत्री जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से करते रहिए। तो अभी 12 तारीख को फरवरी के महीने में बहुत अच्छा आंदोलन सारे देश भर में जो है वो अप्रेंटिसेज के पक्ष में हुआ, इसका असर भी हुआ है। और अगर सरकार मान जाएगी, रेल मंत्रालय मान जाएगा, मुझे उम्मीद है कि मान जाएगा उनकी बहाली के लिए, और नहीं मानेंगे तो हम लोग कुछ बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करने का काम करेंगे, लेकिन अप्रेंटिसेज को रेलवे में बहाल जरूर कराएंगे। मैं रेलवे एप्रेंटिस भाइयों से बोलना चाहूँगा, आज आपको थोड़ा बहुत आश्वासन तो मिल गया होगा, जब तक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, आपका नौकरी का बहाली का जिम्मेदारी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की है। नेक्स्ट मेरा